सावन के पहले सोमवार नुहू के नलहड़ महादेव मंदिर में लगातार भक्त जो है पहुंच रहे हैं, इस तरीके से कलश लेकर पहुंच रहे हैं। सबसे पहले यहां पर जो प्राचीन मंदिर है महादेव का, उसमें जल अभिषेक करेंगे और जल अभिषेक करने के बाद जो ब्रजमंडल यात्रा है वो लोग भी अलग अलग जगहों से यहां पर इकट्ठा होंगे और फिर यहां से यात्रा अलग अलग तीन मंदिरों में निकाली जाएगी। इस बार सुरक्षा व्यवस्था भी काफ़ी कड़ी है, लगातार यहाँ पर बम बम बोले जो है वो लोग यहाँ पर कह रहे हैं और अलग अलग दूर दूर से आए हुए। कहाँ से आए हैं आप, क्या नाम है आपका? नुहू से आए हैं, रजनी। क्या बोलना चाहेंगे आज पहले सोमवार? हम व्रत रखा है आज के दिन, हमने आज हम कल वो जल चढ़ा रहे हैं, व्रत रखा हुआ है और इस तरीके से जल चढ़ाने के लिए लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। व्यवस्था ठीक है? हाँ जी। किस तरह की व्यवस्था है आज प्रशासन की? अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी, बहुत सुरक्षित है। हम आप लोग ब्रजमंडल यात्रा में शामिल होने आए हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पिछले साल जो प्रॉब्लम हुई थी, दंगे हुए थे, इस बार कैसा माहौल लग रहा है, तैयारी कैसी? इस बार बहुत अच्छा है, सरकार ने फुल मदद की है और खूब अच्छा लग रहा है हमें। आप देखेंगे लाइन लगाकर महिलाएं पुरुष जो हैं सब यहां पर पहुंच रहे हैं महादेव के दर्शन करने के लिए, जल अभिषेक करेंगे और उसके बाद ब्रजमंडल यात्रा जो है वो यहां से शुरू होगी। इसी मंदिर में हम आपको बताएं, पिछले साल जब ब्रजमंडल यात्रा यहाँ से निकाली जानी थी तो पहाड़ों से यहाँ पर काफ़ी फायरिंग हुई थी, लोग फंस गए थे, लेकिन आज प्रशासन की तरफ से तैयारियाँ बेहद कड़ी हैं, लोग बेहद खुश हैं और नुहू की सड़कों पर भी इस वक्त एक सुख चैन जो है वो नज़र आ रहा है। 2023 में यानी पिछले साल निकाली गई ये यात्रा साजिश का शिकार हो गई थी। हिंसा की वारदात से पूरे इलाके को जलाने की कोशिश की गई थी। इस बार प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है, बल्क एसएमएस पर भी रोक लगा दी गई है। खासकर सोशल मीडिया जो बड़ी वजह बनी थी, जिसकी वजह से पिछले साल हिंसा हुई थी, सोशल मीडिया पोस्ट पर भी निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा अफवाह भ्रम फैलाने वाले पर तुरंत एक्शन लेने का भी प्रावधान कर दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच सशर्त इस यात्रा को मंजूरी मिली है और जो ये रूट है इस यात्रा का, उस रूट पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि पिछली बार के तरह इस बार कोई भी हिंसा ना हो पाए, कोई भी साजिश को अंजाम देने में कामयाब ना हो पाए। आप देखिए यहाँ पर जो जल अभिषेक यहाँ पर किया जा रहा है, ये प्राचीन यहाँ पर मंदिर है और देखिए लाइन लगाकर लोग जो है लगातार आपको हर हर महादेव इस तरीके बम बम के आपको यहाँ पर जो है वो यहाँ पर लोगों की आस्था जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है और लगातार यहाँ पर जल अभिषेक हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर ब्रजमंडल की जो यात्रा है वो इस मंदिर में पहले जल अभिषेक होगा और जल अभिषेक के बाद ब्रजमंडल की यात्रा जो है वो शुरू होगी। तो तैयारियां इस बार बहुत कड़ी हैं, मंदिर में लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो वहीं अगर हम बताएं प्रशासन की तरफ से इस बार व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा टाइट है। दोनों ही समुदाय के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि कुछ बाहरी लोग थे जिन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके दंगे फैलवाए, लेकिन इस बार व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। आप लोगों ने दर्शन कर लिए? हाँ जी। क्या नाम है आपका? अर्जुन सिंह। आज सावन का पहला सोमवार है, जल अभिषेक यात्रा यहाँ से निकलेगी ब्रजमंडल यात्रा, पिछले साल दंगा हुआ था, क्या लग रहा है कौन लोग हैं जिन्होंने इस तरीके का माहौल ख़राब करने की कोशिश की थी? कुछ होते हैं सर, राष्ट्रीय तत्व के लोग जो अपने समाज में भाईचारा वो ख़राब करते हैं, इस तरीके के होते हैं कुछ इस तरीके के भी। इस बार प्रशासन की कैसी तैयारी लग रही है? पूरी तैयारी अच्छी तैयारी है पूरा। आपने दर्शन कर लिए? हाँ जी दर्शन। क्या नाम है आपका? मेरा उषा सिंह। आज पहला सोमवार भी है सावन का, आप लोगों ने दर्शन किए हैं, तैयारी कैसी लग रही है प्रशासन की, क्योंकि जो ब्रजमंडल यात्रा निकलनी है, पिछले साल बड़ा दंगा हुआ था, इस बार क्या लग रहा है? इस बार बहुत अच्छी व्यवस्था है, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है और व्यवस्था करने मेरे श्रीमान सुरेंद्र सिंह संयोजक हैं इस यात्रा के और दिन रात लगे हुए हैं एक महीने से और पूरा बाबा की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा हुआ है और हो जाएगा, पूरी यात्रा सम्पूर्ण होगी, बहुत अच्छी होगी, ऐसी बाबा से पूरी उम्मीद है। की उम्मीद है और तैयारियां जो हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। हम आपको मंदिर के एक बार दर्शन करा देते हैं कि किस तरीके की व्यवस्था है।